अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक मखमली बटर पनीर बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी और एकदम आसान तरीके से। ये पनीर है 200 ग्राम। इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची मसाला पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर दें। इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब रखते हैं इसको साइड में। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने प्याज और टमाटर को गला लिया है पानी ऐड करके। चार बड़े टमाटर थे और दो बड़ी प्याज थी और उसको पेस्ट कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया है। अब पनीर को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। बस हल्का सा फ्राई कर ले। इसको बहुत ज़्यादा मखमली और ये वेलवेटी एक उसका ग्रेवी है बन जाएगा और मज़ेदार भी ये रेसिपी। इस तरीके से इसको फ्राई करके निकाल लेंगे हम और उसी ऑयल में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और उसके बाद ये टमाटर और प्याज जो पीस कर रखा था प्यूरी उसको ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून दही और मेथी के पत्ते जिसको हमने ग्राइंडर में पीस लिया था। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने मेथी के पत्ते और दही को पीस कर ऐड किया है। इससे ग्रेवी में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे मिर्ची मसाला पाउडर। इसको भी अच्छे से भून लें और उसके बाद हमने नमक ऐड कर दिया है, ये स्किप हो चुका। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है बटर। बटर से ये ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथी और वेलवेटी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था, उस पनीर को ऐड करें और इसका गैस स्लो करके धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए रख दे तो इसका ऑयल ऊपर तक आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पक चुका है। उसके बाद ऑयल आने के बाद हम इसका प्लेटिंग करते हैं। अब ये इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।